स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सरकार द्वारा लंबे समय से मांगे न माने जाने के विरोध में आज नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर कर्मचारियों ने मुख्य बाजारों में प्रदर्शन किया और अपने समर्थन में पर्चे बांटे। इस मौके पर पालिका कर्मचारियों ने नगरपालिका में कार्यरत अन्य स्टाफ से भी सहयोग करने की अपील की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इससे पूर्व कर्मचारी संघ ने 3 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल भी की थी। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश उप प्रधान सेवाराम ने कहा, लंबे समय से सरकार को अपनी मांगे माने जाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन बार बार वायदे करने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को टाल मटोल का रवैया अपना रही है। इससे पूर्व प्रदेश स्तरीय एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में निदेशक से भी बातचीत कर चुका है, लेकिन वह वार्ता भी बेनतीजा रही। उन्होंने बताया कि वे अब 3 दिन की इसी तरह बाजारों में दुकानदारों से भी अपनी मांगों के लिए पर्चे बंटवा कर समर्थन मांगेंगे। सेवाराम ने चेतावनी दी कि यदि उनके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हुई तो 28 और 29 अक्टूबर को पालिका कर्मचारी 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इसी सब के बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान न दिया, मांगे नहीं मानी तो 8 नवंबर को कर्मचारी संघ एवं निकाय मंत्री अनिल विज की कोठी का घेराव करेंगे। जैसा कि आज हमारा ये प्रदर्शन का कार्यक्रम है, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा की नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं परिषदों में हमारा मुख्य बाजारों से प्रदर्शन करते हुए और जो ये हम संघ की तरफ से पर्चे बांटने का काम करेंगे, जो हमारी 25 अप्रैल और 17 अगस्त को माननीय निकाय मंत्री जी के साथ वार्ता हुई संघ की, और उसके अंदर सभी मांगों को जायज़ बताया गया मंत्री जी के द्वारा और जल्द ही पत्र जारी करने की उन्होंने घोषणा भी की थी, और मतलब उसके पत्र परिपत्र आज तक जारी नहीं किए, जिसके कारण ये संघ को आंदोलन करने का कदम उठाना पड़ा। जो हमारी 6 अक्टूबर को DULP में डायरेक्टर साहब से बात हुई अमित अग्रवाल जी से, तो उसमें वही 25 अप्रैल एवं 17 अगस्त की जो वार्तालाप थी उसकी समीक्षा हुई। उन्होंने मतलब कि हमें यही बताया कि भी जो हमारा काम मांग डिमांड के पेंडिंग है वो CM साहब के टेबल पे रुका हुआ है, तो हमारे यही सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी हमारी पत्र परिपत्र है वो जारी करें। फिर भी आपकी मांगे नहीं मानती सरकार, तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगर सरकार हमारी मांगे फिर भी नहीं मानती तो 28-29 तारीख को पूरे हरियाणा में भूख हड़ताल का प्रोग्राम 24 घंटे का है, और तब भी नहीं सरकार चेतती तो 8 नवंबर को पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी मिलकर स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री जी के आवास का घेराव करेंगे।